सीतामढ़ी के सुरसंड थाना के मलाही गांव में बम विस्फोट में एक महिला जख्मी हो गई। पुलिस ने मौके से 6 जिंदा बम बरामद किया जिसे बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया। वहीं जख्मी महिला को इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया गया। पुलिस घटना की जांच में जुट गई है और सूरज आपको बता दें कि सुरसंड के मलाही गांव के खेत में बम मिलने की ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पुलिस इस गांव से 3 बार जिंदा बम को बरामद कर चुकी है। तिरुवनंतपुरम मैंगलोर एक्सप्रेस के 12 डिब्बे शनिवार देर रात तिरुवनंतपुरम से करीब 45 किलोमीटर दूर कुरकुट्टी स्टेशन के पास पटरी से उतर गए। हालांकि इस दौरान ट्रेन का संतुलन नहीं बिगड़ा जिससे बड़ा हादसा होते होते टल गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एकमात्र सरकारी कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी ये धराशायी हो सकती है, लेकिन जिला प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं। 12 कमरों के इस स्कूल की मौजूदा हालत बेहद चिंताजनक। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत प्रशासन से की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि इस बारे में जिले की कलेक्टर प्रियंका दास का कहना है कि बिल्डिंग की मरम्मत के लिए कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से मानवता का शर्मसार करने वाला मामला सामने आया और सड़क हादसे का शिकार हुए ट्रक से लोग मुर्गियां लूटते रहे, लेकिन तड़पते हुए ड्राइवर और हेल्पर की किसी ने मदद नहीं करनी चाहिए जिसके चलते ड्राइवर और हेल्पर ने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। उधर मध्य प्रदेश के बैतूल के JH कॉलेज में आयोजित निःशुल्क स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री लाल सिंह आर्य ने छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन बांटे, लेकिन मंत्री जी के जाते ही कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों के सारे स्मार्टफोन ये कहते हुए वापस ले लिए कि सभी को एक साथ स्मार्टफोन बाद में दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में दिल की बीमारी से पीड़ित आदिवासी परिवार के मासूम को एम्बुलेंस ड्राइवर रास्ते में ही छोड़कर भाग गया। बच्चे के परिवार वालों ने किसी तरह निजी वाहन के जरिए अपने बच्चे को राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में दाखिल कराया, जहां से डॉक्टर्स ने बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए उसे रायपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। मध्य प्रदेश में पहली बार मनरेगा लोकपाल ने पूरी ग्राम पंचायत के खिलाफ ही मुकदमा चलाने की सिफारिश कर दी है। मामला हरदा की जूनापाती ग्राम पंचायत का है, जहां मर्यादा अभियान के तहत टॉयलेट निर्माण में भ्रष्टाचार सामने आया। छत्तीसगढ़ के रायपुर के टैगोर नगर में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से विदेशी 32 बोर की पिस्टल, 315 और 12 बोर की राइफल और भारी मात्रा में चाकू और तीर धनुष जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में भालू ने एक किसान पर हमला बोल दिया। किसान सुबेलाल जब सुबह खेत में काम कर रहे थे उसी दौरान भालू ने उन पर हमला बोल दिया। मंदसौर के ही सीतामऊ थाना क्षेत्र में एक ट्रक पलट गया और घटना में एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया। फिलहाल उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ट्रक राजस्थान के रामगंज मंडी से गुजरात के अहमदाबाद जा रहा था। उज्जैन में जैन मंदिर के ट्रस्ट ने एक विवादित फरमान जारी कर नई बहस छेड़ दी है। ट्रस्ट ने लड़कियों को जींस और स्कर्ट पहनकर मंदिर न आने के लिए कहा है। ट्रस्ट का कहना है कि लड़कियों के वेस्टर्न ड्रेस पहनने से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में ITBP की ओर से सिविक एक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ITBP जवानों ने कैंपस के तहत आने वाले गाँव में कार्यक्रम चलाया और लोगों को रोजमर्रा की चीजें दी। कार्यक्रम का मकसद ग्रामीणों से बेहतर संबंध स्थापित करना। भोपाल से हज यात्रियों का एक जत्था आज रवाना हो गया और इस मौके पर यात्रियों को विदा करने के लिए उनके परिवार के साथ ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। राजस्थान में प्रदेश भर के कर्मचारी 2 सितंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे और प्रांतीय अध्यक्ष सूबे सिंह की मौजूदगी में अलवर में हुई बैठक में इसकी रणनीति बनाई गई। मंत्रालय कर्मचारी संघ 603 मांग पर अड़ा हुआ है। राजस्थान में मोबाइल टावर्स को लेकर लोगों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है और जयपुर के महेश नगर में महिलाएं टावर का विरोध करने के साथ ही टावर लगाने वाले युवकों के साथ मारपीट करती नजर आई। पूर्व IPS DG बंजारा जोधपुर में आसाराम से मिलने पहुंचे थे, लेकिन जोधपुर जेल प्रशासन ने बंजारा को आसाराम से मिलने की इजाजत नहीं दी। इजाजत नहीं मिलने पर DG बंजारा भड़क गए और कहा कि हिंदू संतों के खिलाफ साजिश चल रही है। राजस्थान के झुंझुनू के
गढ़ा गड़ौची में गैस सिलेंडर फटने से ब्लास्ट हो गया और घटना में नकदी समेत सोने चांदी के आभूषण जलकर राख हो गए। वही दमकल कर्मियों और ग्रामीणों ने करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राजस्थान के जयपुर की बस्ती में नाबालिग बच्ची के साथ अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पैरवा युवा मंच और नवयुवक मंडल ने एसीपी कार्यालय का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं जयपुर में 1500 से ज्यादा निजी चिकित्सा संस्थान आज बंद रहे और जेडीए की कार्रवाई के विरोध में हुए इस बंद की आगे की रणनीति तय करने के लिए 100 से भी ज्यादा डॉक्टर्स जयपुर मेडिकल एसोसिएशन सभागार में इकट्ठे हुए और हड़ताल जारी रखने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक लड़की पर हुए एसिड अटैक मामले में इंडिया 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां पीड़ित महिला की आंख की रोशनी को वापस लाने के लिए आई सर्जन्स की टीमें आगे आई। डॉक्टर्स का कहना है कि महिला की आंख में गहरा जख्म है और अगर जरूरत पड़ती है तो जख्म ठीक करने के बाद आंखों का प्रत्यारोपण भी किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एसओजी और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में बरकत गैंग के चार बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। इन बदमाशों पर 50 से भी ज्यादा लूट और डकैती के मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस टीम को बदमाशों के पास से तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं।